कोतवाली आ जाओ, चलो कोतवाली आ जाओ। हैंड से मिल रहा था संजय गोयल। क्या घटना हुई, किस वक्त घटना हुई? 4 बजे के लगभग एक कस्टमर आया, उसने सामान देखना शुरू किया और सेल्समैन की थोड़ी सी निगाह चूकने के कारण सेल्समैन के सामने उसने एक वो चैन का बॉक्स जिसकी लगभग कॉस्ट 75 लाख रुपए थी वो लेके चला गया और रात को 9 बजे जब स्टॉक टैली हुआ तब पता लगा। अभी तक पुलिस कार्रवाई कर रही है। हाँ सब आ चुके, चल रही है, कब तक का आश्वासन दिया खुलासा? चल रही है बातचीत, चल रही है, कर रही है। सर रामकुमार, रामकुमार साहब के यहाँ चोरी हुई है, क्या मतलब ठगी हुई है, चोरी क्या घटना है? ये शहर के एक सराफ हैं रामकुमार ज्वेलर्स, जिनकी भगत सिंह रोड पे दुकान है और जानकारी में आया है कि कल इनके यहाँ से तकरीबन 4:15 बजे के आसपास कोई एक व्यक्ति जो कि कैमरे में दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति आता है और इनसे चैन खरीदने के बहाने वहाँ से एक बॉक्स जो है जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि काफ़ी चैन उसमें थी वो बॉक्स उसने वहाँ से धीरे से साफ कर दिया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हमारी 3 टीमें लगातार इस पर काम कर रही हैं, क्राइम ब्रांच की टीम भी इस पर काम कर रही है, बहुत जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। किस तरह से ठगी करके ले? उसने चैन देखने के बहाने उनसे उनका ध्यान भटका के जैसे कि मतलब वो चैन दिखा रहा है, चैन खरीदने का उसने एक ड्रामा किया कि वो चैन खरीदना चाहता है और धीरे से जो वहाँ पे एक बॉक्स रखा था वो बॉक्स वहाँ से अपने जो थैला वो लिए था हाथ में उस थैले में रख के चला गया। इनको जानकारी भी 9 बजे के बाद जब इन्होंने अपना सामान वगैरह चेक किया तभी इनकी जानकारी। कितने का होगा सामान का?
उनके द्वारा बताया गया कि 50-60 लाख का उसमें ज्वेलरी थी और बाकी जो भी चीज़ें हैं उसकी बहुत ही गहनता से हम लोग जाँच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शोरूम मालिक की भी लापरवाही इसमें, अब नहीं कह सकते, बहुत दुकान पे काफ़ी लोग भी रहते हैं, कई बार हो जाती है चूक, उसके लिए हम तो नहीं कह सकते।